नमस्कार दोस्तों, जो आरआरबी एएलपी 9 अगस्त सेकेंड शिफ्ट के अंदर जो पेपर हुआ उसके आंसर की मैं लेके आया हूँ मित्रों। तो मित्रों, हर एक क्वेश्चन को मैंने बताया है जो मुझे मिले हैं। तो मित्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर करें, जिससे इसी तरह आपको जानकारी मिलती रहे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के अंदर, और उसके बाद सबसे पीछे मैं बताऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं किस किस टॉपिक से, तो वो भी जरूर देख लें। क्वेश्चन है मित्रों, हीमोफीलिया रोग की रोगवाहक कौन होती है? तो स्त्री मित्रों रोगवाहक होती है। नेक्स्ट है, बर्फ का कितना हिस्सा पानी के बाहर रहता है? तो 1/10% पानी के ही बाहर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईएनटी डॉक्टर कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, बायोगैस में कौन सी गैस निकलती है, मुख्य रूप से कौन सी होती है? तो ये होती है मित्रों मीथेन। नेक्स्ट है, केरोसिन के तेल में कौन सी धातु रखी जाती है? तो मित्रों ये कौन सी है, ठीक है, सोडियम धातु। बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, इसकी वजह से इसको केरोसिन के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट मित्रों, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? तो ये क्या, पॉल कॉर्नू व इगोर शिरोशकिन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, कृत्रिम वर्षा होती है? तो ये होती है AGI से। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी से होने वाला रोग कमजोरी कौन सी है? तो वो कौन सी है, ये डिकेटस है मित्रों। और ये किस वजह से, विटामिन जो डी है इसका रासायनिक नाम क्या है वो भी आप देख लेना, कैल्सिफेरॉल। नेक्स्ट मित्रों, रक्त कैंसर को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ल्यूकेमिया। तो आप रक्त से भी क्वेश्चन आप देख लेना। नेक्स्ट है मित्रों, काली खांसी किसके कारण होती है? तो ये होती है हीमोफिलस पर्टुसिस के वजह से, ये एक जीवाणु जनित रोग है, ठीक है, ये मैंने पढ़ाए हुए हैं। नेक्स्ट मित्रों, दर्पण की फोकस दूरी क्या है? दर्पण की फोकस दूरी 1/f = 1/v - 1/u। नेक्स्ट है, फ्यूज तार किस श्रेणी में लगा होता है, श्रेणी क्रम? तो मित्रों पहले जो हुई थी पारी, पहली पारी के अंदर उसमें पूछा हुआ था कि फ्यूज तार किससे बना होता है, तो मित्रों इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर के साथ जल मिलाने पे कौन सी गैस बनेगी? तो बनेगी क्लोरीन गैस, ठीक है। बाबा रामदेव किस राज्य के ब्रॉड एम्बेसडर है? तो मित्रों ये हरियाणा के ब्रॉड एम्बेसडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ? तो ये हुआ फ्रांस देश के अंतर्गत। तो मित्रों GST संबंधित जितने क्वेश्चन है आप एक बार देख लेना, ठीक है, इम्पोर्टेंट किस समिति की सिफारिश वगैरह, ठीक है, ये देख लेना, या 2-3 में आगे लिखे हैं। नेक्स्ट है, लिमाइट युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच में हुआ? तो भारत और सेशल्स के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है, तो आप युद्ध अभ्यास भी एक बार देख लेना, पुस्तकों के नाम है कि मतलब जिनके कौन कौन लेखक है वो देख लेना। 2017 का व्यास पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये मिला मित्रों ममता कालिया को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? मित्रों फिल्म क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। 2016 का ओलंपिक कहाँ हुआ? तो मित्रों आप सभी जानते हो रियो ओलंपिक, ठीक है, काफी हुआ ब्राजील के अंदर 2016 के अंदर। वह मुख्यमंत्री जिसके पिताजी महाराजा थे, तो मित्रों वो कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम के राज्यपाल, तो मित्रों आप एक बार तो सीएम है जितने भी राज्यों के वो देख लेना, और राज्यपाल है ये देख लेना, सिक्किम के राज्यपाल श्रीनिवास पाटिल। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के वर्तमान सीएम कुमार स्वामी, ठीक है, आप सभी जानते हो, बहुत चर्चा में रहे थे हाल ही में। महात्मा गांधी का जन्म दिवस, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, 2 अक्टूबर 1869 को पैरा ओलंपियन में जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से नवाजा गया, तो कौन थे? मुरलीकांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, ज्योति तीव्र लुमिनस इंटेंसिटी का जो मात्रक क्या है, वो है कैंडेला। अगले क्वेश्चन है, सर्वप्रथम GST बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति एक्स्ट्रा मैन लिखे हैं, इम्पोर्टेंट असीम दास गुप्ता समिति, और संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर GST परिषद के गठन का प्रावधान किया गया? तो ये अनुच्छेद 279A के अंदर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, सफेद क्रांति किससे संबंधित है? तो ये दूध से संबंधित है, ठीक है। टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगे होती है? तो ये अभ्रक तरंगे होती है, इंफ्रारेड तरंगे होती है मित्रों। DDT की फुल फॉर्म क्या? डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हृदयनाथ मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया? था जावेद अख्तर को, और पहली पारी के अंदर ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है मित्रों कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है CaOCl2। तो मित्रों ये जो क्वेश्चन थे सेकंड पारी के अंदर
आए हुए थे। तो मित्रों एक बार जरूर देख लेना, रिपीट जरूर होंगे। थैंक यू। और साथ में आपको बता दूं, एक तो आप देख लेना यूनिट से क्वेश्चन, ठीक है, और जितने भी सीएम है वो देख लेना, ब्लड से संबंधित क्वेश्चन देख लेना, ठीक है मित्रों, प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन देख लेना, एक जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन देखना, सभी राज्यों के गवर्नर देख लेना, और जो चर्चित बुक्स हैं, ठीक है, वो देख लेना, इनमें से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मित्रों करंट अफेयर्स पे जोर दे रहे हैं, तो आप जरूर देख लेना। थैंक यू।